Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 7th October 2020. Subject English Grammar, Class 3, Book The Grammar Right Book, Chapter 7. My dear students will be doing the revision of the chapter of verb. आज हम लोग verb chapter के ऊपर revision करेंगे, okay? यहाँ पे बोला गया है कि let's link up, read the sentence, draw pictures of yourself doing these actions. यहाँ पे बोला गया है कि आपको sentence को पढ़ना है और आपको यहाँ पे picture बनाना है. आप यहाँ पे जो एक्शन वर्ड लिखा गया है, जैसे देखिए, आई एम रनिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, यहाँ पे जो एक्शन वर्ड्स लिखा हुआ है आपको इसके ऊपर आपको पिक्चर बनाना है, ठीक है. इन द पिक्चर्स यू आर रनिंग, स्लीपिंग एंड ईटिंग, दे आर एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स. यहाँ पे जो पिक्चर में रनिंग, स्लीपिंग एंड ईटिंग है, ये क्या आपका एक्शन वर्ड्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ओके. अब वर्ब क्या, अब वर्ब एक्सप्रेशन इन एक्शंस और स्टेट ऑफ बींग. वर्ब क्या करता है, वर्ब आपको एक्शन या फिर स्टेट ऑफ बींग के बारे में एक्सप्रेस करता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है. अब वर्ब हमेशा याद रखिए, वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, डूइंग वर्ड भी बोलते हैं, ओके. अब वर्ब एक्सप्रेसेस इन एक्शन और स्टेट ऑफ बींग. किसी भी पर्सन, एनिमल, थिंग, कोई भी एक्शन का काम करते हैं या फिर किसी भी स्टेट ऑफ बींग के बारे में बताते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ओके. लेट्स रीड सम एग्जाम्पल्स. सिमरन रीड शॉर्ट स्टोरीज. वी आर बिल्डिंग अ हट. आई ब्रश माई टीथ. आई कैन कुक एन एग. यहाँ पे जो रीड्स, ब्रश, बिल्डिंग, कुक है, ये क्या आपका एक्शन वर्ड है. ये हमें बता रहे कि यहाँ पे जो नाउन है या फिर यहाँ पे जो पर्सन है, उन लोग क्या एक्शन कर रहे हैं, राइट. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड को हमेशा याद रखिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं. तो हम चाहते हैं घर में इसका डिफिनेशन को पढ़ें और एग्जाम्पल के साथ डिविजन करके समझने की कोशिश करें. थैंक यू.